We all know that OH is in ring activating ring. Whenever OH is attached to benzene ring, it increases its reactivity. But question ye hai, kaise? A question from NCERT textbook and a very important question for the board exam. Explain how does OH group attached to a carbon of benzene ring activates it toward electrophilic substitution reactions. मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा इन मोस्ट सिंपलेस्ट वे. उसके पहले अगर आपने नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर वीडियोस अपलोडेड यू कम टू नो अबाउट द सेम. आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. देखो, इसका ना एक सीधा सा आंसर है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. खत्म, बात. बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. ज्यादा एडवांस में कुछ बुक में लिखा रहेगा बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट. मैं एक्सप्लेन करता हूं. जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा और बेसिक से चलते हैं. सबसे पहले ये कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है. तो देखो, बेंजीन के ऊपर ना आप सबको पता है एवरी कार्बन हैज अ हाइड्रोजन. हम ऑल दो लिखते नहीं है बट हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है. बेंजीन इज C6H6. अब अगर कोई भी ग्रुप आए जो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. बिकॉज हाइड्रोजन है यहाँ पे एच पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफाइल, और अगर कोई चीज आके इस इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दे तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. अब बात बस इतनी सी है कि अगर बेंजीन पे कहीं पर एक OH ग्रुप लगा दिया जाए ना तो हम ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो तेजी से होती है. तो ये कैसे हुआ? How does OH group increases the ring, the benzene rings reactivity for these type of electrophilic substitution reactions? जैसे ने बताया इसका आंसर है रेजोनेंस. कैसा रेजोनेंस? आइए बना के देखते हैं शॉर्ट में. ये एक बेंजीन रिंग है फॉर एग्जाम्पल, और ये है OH group, ठीक है. ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो इसका लोन पेयर उठ के यहां ट्रांसफर होगा, ये पाई बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो जाएगा. एज अ रिजल्ट एक नई स्ट्रक्चर बनेगी जिसपे ऑक्सीजन पर होगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर होगा नेगेटिव चार्ज, एंड दिस विल कंटिन्यू. आपने ऐसी स्ट्रक्चर्स बहुत बार देखी होगी, इनको हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. लेट मी ड्रॉ ऑल ऑफ देम टू यू वन बाय वन. इट विल कंटिन्यू वंस अगेन. एक और स्ट्रक्चर बनेगी, here will be the negative charge OH, और एक final structure, एक final time, ये negative bond charge यहाँ और ये यहाँ, we get the final structure. अब देखो, अगर आपने यहाँ पे देखा हो, देखो basically electrophilic substitution जो attack करता है benzene को वो भी एक electrophile होता है, electron loving species, ठीक है. अब electron loving species को क्या चाहिए? it loves the negative charge, ठीक है. अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस रेजोनेंस की वजह से इस वाले में यू कैन सी बेंजीन पर एक नेगेटिव चार्ज है, इस वाले में भी यू कैन सी बेंजीन पर एक नेगेटिव चार्ज है, और इस वाले में भी यू कैन सी बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज है. तो एक्चुअल जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है ना वो तीनों का ओवरलैप होता है, ऐसा सा कुछ होगा. यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और बाकी सब पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो यू कैन सी इस रेजोनेंस की वजह से बेंजीन के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो आ गया है. बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, और जब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है तो जो भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हैं वो बेंजीन पर आके अटैच होंगे, एंड दैट इज वाई बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ गई. अगर ये OH नहीं होता, ये रेजोनेंस नहीं होता, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ती. तो बुक में अगर आपको लिखना हो तो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट. इस टाइप के रेजोनेंस को प्लस आर इफेक्ट कहते हैं. ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट द OH इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग, बिकॉज ऑफ विच द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन increases for electrophilic substitution reaction. I hope it was clear to you. If not, you can always ask in the comment section. Thanks for watching.